साबका मंत्री वर्ग एमएलए उधमपुर श्री पवन कुमार गुप्ता जी, इनके साथ इस मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्री धर्मेंद्र सिंह राणा जी और डॉक्टर जोगेश्वर जी, बाकी इनके साथ दूर दराज के इलाकों से आए हुए नौजवान बुजुर्ग माताएं और बहने, मेरी तरफ से आप सबको आदाब और सलाम। मैं आज आप तमाम लोगों का यहाँ पर दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर आए इकट्ठा हुए। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज अगर मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ तो वाहेगुरु रोहित सेठी जी की वजह से हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से उनको नोटिस कर रहा हूँ। बेसिकली मैं रामनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 4-5 साल से मैं उधमपुर में स्टेशन हूँ। मैं तो पिछले 4-5 साल से नोटिस कर रहा हूँ कि जो एक पुण्य का कार्य लेकर ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने में जा रहे हैं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इनकी तारीफ कर सकूं। मेरे साथ बहुत सारे साथी आए हुए हैं। हम लोगों को जब भी कभी मुसीबत आई होगी, चाहे वो हम जम्मू कश्मीर के अंदर रहे चाहे जम्मू कश्मीर के बाहर रहे, हमने जब भी इनको फोन किया तो हमने इनको अपने साथ पाया, चाहे वो रात के 2 बज रहे होंगे चाहे वो 1 बज रहा होगा। आज अगर मैं इस भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर हूँ तो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से हूँ। मैं पवन गुप्ता जी को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात छोड़िए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, हम शानदार के साथ चलेंगे। क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं आज हिंदू जागरण मंच के पूरी तरीके के साथ समर्थन करता हूँ कि जो एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम लेकर यह मंच जिला उधमपुर की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, हम इसको अपनी तरफ से पूरा सहयोग देते हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हम तन मन और धन के साथ पवन गुप्ता जी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हमें कोई मजहब ये बात नहीं सिखाता है कि आप किसी धर्म के साथ किसी किस्म का कोई ऐसा मिसबिहेव करें। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ दो ये राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ पर इंसानियत जिंदा हो वहाँ पर मजहब की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है, मैं कहता हूं कि अपने इस धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा कि हम लोगों का ईमान खतरे में है। मैंने कभी किसी हिंदू को मुसलमान को मारते हुए नहीं देखा, किसी मुसलमान को हिंदू को भी मारते हुए नहीं देखा। जो हमें आपस में लड़वाते हैं मैंने उनको कभी गीता और कुरान पढ़ते भी नहीं देखा, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जब 2014 के अंदर पवन गुप्ता जी ने उधमपुर के अंदर इलेक्शन लड़ी थी तो इन्होंने किसी नारे के ऊपर से नारे के ऊपर आपसे वोट नहीं मांगा कि मैं आपको फलानी चीज दे दूंगा मुझे वोट दीजिए। इन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी नुमाइंदगी करने की काबिलियत रखता हूं तो आप मेरे साथ चलिए, और वो लोगों ने साबित करके दिखाया और पूरे दिल्ली की सरकार ने आगे बोला कि आप हमारे साथ हाथ मिला दीजिए। आज ही हमारे साथ लीड रहे हैं, अपनी पार्टियों को छोड़कर चलते हैं कि हमारे साथ हाथ मिला लो, हमारे साथ हाथ मिला लो। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पहले अपने अंदर वो एक काबिलियत पैदा कीजिए जो पवन गुप्ता जी के अंदर है, और जिन फिक्र और फैक्ट के साथ इन्होंने जीतने के बाद असेंबली के अंदर भी बात की वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे लफ्जों के साथ लिखा जाएगा। मैं बहुत सारे लोग हैं जो आज पार्टियां चाहते हैं, लेकिन मैं पवन गुप्ता जी को कहना चाहता हूँ कि आसमान से टूटा हुआ सितारा जमीन पर नहीं गिरता। हम लोग देखते हैं ना कि शाम को जब कोई आसमान से नीचे सितारा गिरता है तो हमें वो भी दिखता नहीं है। आसमान से टूटा हुआ सितारा जमीन पर नहीं गिरता, हजारों दरिया मिलते हैं समुद्र से पर ये समुद्र किसी दरिया से नहीं मिलता। खुदा हाफिज़। जय हिंद।